सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार टिक्का बोटी बनाने का तरीका बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। लेकिन इंग्रेडिएंट बताने से पहले मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि हमने एक न्यू वी लॉगिंग चैनल राना अदील अहमद के नाम से स्टार्ट किया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जिस तरह आपने हमारे बाकी तमाम चैनल्स को सपोर्ट किया, उसी तरह हमारे इस चैनल को भी अपना सपोर्ट दें, अपना प्यार दें। चलिए अब मैं बताती हूँ कि हमें कौन से इंग्रेडिएंट्स दरकार हैं। मैंने 1 किलो बीफ लिया है जो कि मैंने बोनलेस लिया है, और इसके टिक्कों जितनी मैंने बोटी बना ली है। इसके बाद अदरक और लहसुन, अदरक जो है वो 1 चम्मच, उसकी पेस्ट 1 चम्मच, लहसुन की पेस्ट, इसके साथ सुर्ख मिर्च पाउडर 2 टेबलस्पून, आप अपने ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद 1/2 चम्मच हमने गरम मसाला लेना है, 1/2 चम्मच नमक, नमक जो है वो हस्बे ज़रूरत आपने इस्तेमाल करना है या हस्बे जायका, हल्दी हमने 1/2 टेबलस्पून लेना है, चाट मसाला मैंने 1/2 चम्मच लिया, आप किसी भी अच्छी ब्रांड का चाट मसाला ले सकते हैं, और इसके बाद मैंने एक चम्मच सूखा धनिया लिया है और उसे मोटा मोटा कूट लिया है। हम दादरा हुआ सूखा धनिया भी कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म नहीं करना, बस मोटा मोटा। और इसके बाद 1 पाव यानी कि 250 ग्राम जो है वो मैंने दही ले लिया है। अब हम एक बॉल में इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। एक दिन गुजर गया है, अब मैं इसे स्टीम करने लगी हूँ। इसके लिए चिकन के लिए मैं आयल डालती हूँ, लेकिन बीफ के लिए या मटन के लिए मैंने गलने के लिए 1 अदद ग्लास डाल रही हूँ, आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये कुकर का आमतौर पर डब्बा होता है, वो रख लें या इस तरह का कोई बर्तन रख लें, उसके ऊपर ये प्लेट रखनी है। अगर आपके पास इस तरह की प्लेट नहीं है तो आप सादी प्लेट भी रख सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं इसको जो मसाला लगा के गोश्त रखा हुआ था वो उसको डाल दूंगी इस तरह। अब मैं इसे 30 मिनट के लिए वेट लगा दूंगी। ये देखें इस तरह गोश्त जोड़ना है, नीचे 9 इंच जाना चाहिए। ये देखें पककर बिल्कुल तैयार हो गया, यह गोश्त स्टीम रोस्ट हो गया।
ये देखें व्यूअर्स, मैंने टिक्कों को डिश आउट कर लिया है। इनका कलर कितना खूबसूरत आया है और बहुत ही यम्मी लग रहे हैं। ये बहुत नरम और जूसी भी हैं। इसको हमने पुदीने और हरा धनिया की चटनी के साथ सर्व किया है। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आपने इसको शेयर करना है। और लास्ट पर आप देख सकते हैं कि हमारे न्यू वीलॉगिंग चैनल का लिंक डिस्प्ले हो रहा होगा। इसको सपोर्ट करें, अपना प्यार दें और फ्रेंड्स एंड सर्कल में इसको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।